नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहिनी कुशवाहा। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा में अकाली बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने विधानसभा में आर्टिकल 25 को उठाया तो आम आदमी पार्टी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि तीन सिख होने के बाद भी वो केजरीवाल के दबाव में कुछ नहीं बोले। आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य कुलवंत सिंह बाठ और अकाली नेता कुलदीप सिंह भोगल ने मनजिंदर सिंह सिरसा का समर्थन करते हुए कहा कि सिखों को अलग पहचान मिलना जरूरी है। आइए सुनाते हैं आपको। जो विधानसभा दे श्रोमणी अकाली दल दे भाजपा दे विधायक हैं उन्होंने धारा 25 दे तहत सिख एक वक्री कौम है इस मुद्दे नू विधानसभा दे विच चुकिया। उदे विच आप दे तीन विधायकों ने बिल्कुल मुँह ते ताला लाई रखिया, बिल्कुल नहीं बोले और ये शर्म की गल है कि एक सिख होने के नाते असी सिख धर्म नू एक वक्री कौम कहन वास्ते इस मुद्दे नू उत्थे उठाया, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने इस गल नू ते नाल हरसिमरत कौर बादल ने मिल के इस गल नू पंजाब दे विच और पंजाब तो बाहर भी उठाया। और मैं धन्नवाद करदा हाँ सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा दा जिन्हां ने विधानसभा दे विच इस धारा 25 दे तहत सिखां नूं एक वक्री कौम दा जो दर्जा दिलाउण लई लगातार संघर्ष कर रहे हन। होर मुद्दियां ते भी उन्हां ने संघर्ष किया जिथे वो विधानसभा दे मेंबर हैं उत्थे ही वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर भी हैं। मैं उन्होंने पूरे पंजाबियों की तरफों, क्योंकि ये जड़ा मामला सी ये बहुत ही वड्डा मामला सी इन्होंने विधानसभा दे विच चुकिया, असी इन्होंने वधाई देंदे हाँ। जिथे इन्होंने वधाई देंदे हाँ उत्थे सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ते सरदार हरसिमरत कौर बादल नू भी धन्नवाद करते हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज समूह प्रेस दे मित्रां दा मैं पहला धन्नवाद करदा। दूसरा अज ये गल मैं कहनी चाहुंदा कि सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जिहड़े श्रोमणी अकाली दल दे दिल्ली विधानसभा दे विच नुमाइंदे हन, उन्हां ने जिथे दो दिन पहला विधानसभा दे विच आर्टिकल 25B जिहड़ा सिखां दी अलग पछाण दी गवाही भरदा है उहदे विच जिहड़ी अमेंडमेंट दी गल उन्होंने कही कि सिख एक वक्री कौम है, सिख दी एक वक्री पछाण होनी चाहीदी है, उहदे विच अमेंडमेंट दी जिहड़ी उन्होंने गल कही, जिथे मैं सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी नूं वधाई दिंदा उत्थे नाल ही मैं अरविंद केजरीवाल और उन्हां दी पूरी टीम दी निंदा करदा है। उन्हां दी टीम दे विच जिथे सिख विधायक मौजूद सी और केजरीवाल जिहड़ा आप सिखां दा हमदर्द होण दा टोंग पिछले समय तो करदा आ रहा है, चाहे वह पंजाब दे विच चोणां होण चाहे दिल्ली दे विच चोणां होण, उन्हें हमेशा कोशिश की अपने आप नूं यह दर्शाउण दी कि मैं सिखां दा बहुत वड्डा हमदर्द हाँ। लेकिन उन्हां दी इस हमदर्दी का नाटक जिहड़ा है पहला तो उदों ही खत्म हो जाता जदों उन्होंने किसी भी सिख नूं अपनी मंत्रीमंडल दे विच शामिल नहीं किया। दूजा हुण राजसभा दे विच उन्हां दा फर्ज बनता सी जिथे पंजाब दे विच पंजाब दे लोकां ने पंजाबियां ने सिखां ने 20 सीटां उन्होंने जताइया कि वह किसी सिख नुमाइंदे नूं
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੋਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।